इसके 12 साथी, सो टोटल 13 लोग हैं जो अनकंडीशनली सरेंडर कर चुके हैं पाक फौज के सामने, और ये अपने हथियारों समेत इन्होंने सरेंडर किया है, और आइलैंड से बाहर अभी इनको बोट के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, और इस वक्त ये फौज की तहवील में है। इससे पहले जो 24 हॉस्टेज पुलिसमैन थे, इन तमाम लोगों को भी इनके हथियारों समेत बिल्कुल सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है, और ये भी ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं आइलैंड से बाहर, और ये भी इस वक्त हमारे पास हैं और बिल्कुल महफूज हैं। इसके अलावा ये तमाम डाकुओं की जो फैमिलीज हैं, जिसमें 24 लेडीज, 44 बच्चे और 4 बुजुर्ग शामिल हैं, इनको भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है, और ये भी बोट के ऊपर इनको भी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया आइलैंड से बाहर, और ये बिल्कुल सेफ हैं और हमारे साथ हैं, और इस वक्त इनका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, और जो भी इनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा रही हैं। अभी तक का अपडेट ये है कि ये जो कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, ये डाकू छोटू और इसके 12 साथी, सो टोटल 13 लोग हैं जो अनकंडीशनली सरेंडर कर चुके हैं पाक फौज के सामने, और ये अपने हथियारों समेत इन्होंने सरेंडर किया है, और आइलैंड से बाहर अभी इनको बोट के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, और इस वक्त ये फ़ौज की तहवील में है।